मैडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विशाल नगर। आइए, यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल की इब्तिदा हुई है, खुशी मदर एंड चिल्ड्रन केयर। यहाँ के रहने वाले जमात के सेक्रेटरी नजमुद्दीन खवास साहब, हॉस्पिटल के हवाले से उनसे बात करते हैं, देखेंगे इस मौजू पर इनका क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जनाब हसन खान जागीरदार और चूहे साहब का बहुत ही मशहूर हूँ, जिन्होंने उनका एक इरादा था और हम लोगों की एक उनसे एक उम्मीद थी कि वो ऐसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का काम कर चुके हैं जन्नत नगर, अगर ऐसे दूसरे बहुत सारे जगह में वो काम कर चुके हैं और उनके ख़ास करके मेडिकल शॉप्स हैं, तो उन्होंने ये चाहा कि भाई हमारे विशाल नगर में चिल्ड्रंस स्पेशलिस्ट कोई नहीं है और गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी कोशिश करते हुए ये दोनों डॉक्टर्स को सौभाग्य नायक और परवीन गंगनगौड़ जो DCH है उनको यहाँ लाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं उनका हमारे मोहल्ले वालों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ का बच्चों का हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके लिए हम अफजल भाई को, उनके अब्बा को हमें रिक्वेस्ट करके ये बच्चों का हॉस्पिटल यहाँ एक तैदाद करें, तो हमारे बच्चों का विशाल नगर में अच्छा एक ये हुआ था बोल के हम रिक्वेस्ट करने की वजह से उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का एक मुद्दा यहाँ चालू किया। आइए, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवीन MBBS, ये बच्चों के स्पेशल हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखेंगे इस मौजू पर उनका क्या कहना है। आज खुशी मदर चाइल्ड केयर के क्लिनिक के ओपनिंग के बारे में यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये एक इलाका ऐसा है जहाँ पे छोटे बच्चों के डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे मुझे यहाँ के लोकेलिटी से मालूम भी पड़ा था। और अफजल और उनके भाई लोग और उनके दामाद लोग सब लोग मिल के थोड़ा सा परसू किया कि यहाँ पर एक अगर छोटे बच्चों का क्लिनिक हो सकता है तो बहुत सारे सोसाइटी के लोगों को जिनको ज़रूरत है और जो बहुत सारे लोग दूर दूर के क्लिनिक को जा रहे हैं अभी, उनको यहाँ पे एक लोकल लेवल पे एक अच्छी ट्रीटमेंट की सहूलत मिल जाएगी, तो शायद उनके लिए कुछ सेवा हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने भी हाँ की और बहुत जल्दी उन्होंने अच्छा सेटअप यहाँ पे बनाया, देख के बहुत खुशी हो रही है। हो सकता है कि मैं आशा करता हूँ कि अच्छी सर्विस हम दे पाएंगे और ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए जितना हमसे बन पड़ता है जो ए लेवल पर कर सकते वो सब कुछ हम करेंगे एकदम उचित कॉस्ट में, और अच्छे मेडिसिन भी यहाँ पे अफजल के दुकान में अवेलेबल रहेंगे। और वो मैं आशा करता हूँ कि सभी सोसाइटी के सभी सीनियर लोग हैं यहाँ पे, अंजुमन के सेक्रेटरी साहब है और बाकी सभी लोग सोसाइटी के दिग्गज है, उनसे सब लोगों से हमको हेल्प भी मिलेगी और उनकी सहायता गाइडेंस मिलेगी, और आशा करता हूँ कि हम हमारी तरफ से अच्छी सेवा। आप यहाँ के अवाम से क्या चाहते हैं सर? हम तो यही चाहते हैं कि एक तो पीडियाट्रिशियन के हिसाब से मैं बोलूँगा तो अभी एक दो तीन चीज़ें रहती है कि एक तो कभी भी कुछ भी अगर तकलीफ़ है बच्चों को तो बिना देर किए एक तो पहले लेके आओ तुरंत जो डॉक्टर साहब बोलते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनके बच्चों को देर से अच्छे बने, तो जितना जितना बोलते हैं उतना फटाक से उसको उस तरह से ट्रीटमेंट ले, और अगर यहाँ पे नहीं बन पाता है तो आगे का जो डॉक्टर बोलते हैं उस तरह से उसको सपोर्ट करके उनको फॉलो करना है, जो भी उनको दवाई या फिर जो डाइट और जो भी वो उनको डाल के देते हैं। समाज को देखना है कि खाली एक ट्रीटमेंट के लिए आने से, मैं ये चाहता हूँ कि उनको एक तरह का एजुकेशन भी यहाँ पे मिले कि खाना किस तरह से होना चाहिए, बच्चों में अंतर कितना होना चाहिए, बच्चों को माँ का दूध किस तरह से पिलाया जाता है, कहाँ तक पिलाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे एजुकेशनल थिंग्स है जो हम उनको बोलना चाहते हैं। वैसे वैक्सीनेशन के बारे में, तीसरी लहर के बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, वो तो अब ओमिक्रॉन की जो एक लहर आ रही है, साउथ अफ्रीका की एक नई नस्ल पैदा हुई है और वो पूरे दुनिया में फैल रही है, खास स्पेशली बच्चों के लिए है क्या? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा मेरा मानना तो नहीं है कि बच्चों में खास करके आएगी, ये तो पहले दो लहर के तरह ही रहेगी। इनफैक्ट पहले दो लहर से उसके जो लक्षण हैं
कम रहेंगे, उसके इतने ज़्यादा लक्षण ये नहीं रहेंगे कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े। अब इसके लिए क्या अपने आप को बचाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम चीज़ हम फॉलो करना चाहिए हमको, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोने हैं, पर्सनल हाइजीन रखना है, और कभी भी कोई भी बुखार आए, सर्दी आए, फ्लू की तरह कोई भी लक्षण दिखे, जैसे कि बदन दर्द हो, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, सिर दर्द, अब कुछ ऐसे भी खबरें आ रही है कि बाहर के देशों से कि ये तीसरी लहर में बुखार और सर्दी नहीं हो रही है, फिर सिर्फ बदन दर्द होता है। तो मेरा तो ये सलाह और मशवरा रहेगा कि अगर सिर्फ बदन दर्द भी होता है और कुछ अनइजीनेस हो लग रहा है तो तुरंत आके नज़दीक के दवाखाने में, जहाँ भी हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जहाँ भी हो क्लिनिक, वहाँ जाके अपना जाँच करा ले। ये वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज है उसके लिए लोग डर रहे हैं सर, उसके बारे में क्या है कि लोग जो है थोड़े दिन के बाद, दो साल तक रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, तो कहाँ तक सही है, इसके बारे में आप एक सलाह करें तो आवाम को मालूम होगा। बहुत अच्छा सवाल किया है ये, मैं आवाम को पर्टिकुलरली ये इलाके में मैं बहुत थ्रस्ट दे के, बहुत जोर दे के बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा, कोई भी लेडीज़ या जेंट्स या बच्चा ये संक्रमण से बच नहीं सकता है, कभी ना कभी इसको ज़िंदगी में होने वाला है, और उसके बॉडी में जब तक उसके एंटीबॉडीज़, मतलब वो वायरस को फाइट करने वाले गुण पैदा नहीं होते हैं, तब तक वो उससे सेफ नहीं रहेगा। तो वायरस को फाइट करने वाले गुण तभी पैदा होंगे, या तो उसको इन्फेक्शन होना चाहिए, या फिर मतलब इसका मतलब उसको संक्रमण होना चाहिए, या फिर उसको वो डिसीज़ होना चाहिए, या फिर उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए। अगर हम ये बात कहें कि वैक्सीन हम लगाओ करके हम लोगों से बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए आपका क्या कहना है? बहुत सही बोले आप। तो मेरा तो ये सलाह है, मशवरा है, और सबसे विनती भी है कि सब लोग अपना अपना वैक्सीन करवा ले, जितनी जल्दी हो सके दोनों वैक्सीन करवा ले, बीवी, सभी अपने अपने घर में से बुज़ुर्ग, और जो एलिजिबल कपल्स है और जो भी सभी लोग हैं, सभी को अपने अपने दो डोज, इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट तीसरे बूस्टर डोज के बारे में भी सोच रही है, जिनके दो दो डोज हुए हैं उनको एडिशनल डोज भी लगवाना चाहिए, ताकि वो आगे, ओमिक्रॉन तक ये नहीं रुकने वाला है, आगे और भी नस्लें पैदा होंगी जो पहले नस्लें नहीं थी, उन सभी से अगर हमको प्रोटेक्शन चाहिए तो सभी को बूस्टर डोज देना बहुत ज़रूरी है। उसका जान का कोई खतरा नहीं है सर? कोई जान का खतरा नहीं, बहुत सारे इसके बारे में मिसकंसेप्शंस, जैसे कि हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कि गलत अफवाहें फैलाई जा रही कि उससे स्टरिलिटी, मतलब बच्चे नहीं पैदा होते, या फिर उससे कुछ और तरीके के शरीर मर जाएंगे, ये कोई सच नहीं है। हम पैदा होने के बाद बच्चों को कितनी सारी दवाइयां हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैसे ही ये एक एडिशनल वैक्सीन है। वैसे भी हम फ्लू का वैक्सीन पहले भी करते थे, तो इसमें अब ये वायरस जो हम उसको बोलते हैं कि चाइनीज़ वायरस बोलते हैं, या फिर कोरोना का वायरस बोलते हैं, उसको हम ऐड करके उसको फ्लू का नया वैक्सीन बनाया है, और वो वैक्सीन देना है, बस उतनी है, उसमें कुछ भी गलत इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। और हम सबको थ्रस्ट दे के और जोर दे के बोलना चाहते हैं सभी आवाम को कि ज़रूर वैक्सीन लगवाए, बीवी बच्चों किसी को भी इससे वंचित ना रखे, और सबको कोई नुकसान नहीं। बरकातहू हूँ, आज जो है हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर अली जनाब हसन खान जागीरदार जो है यहाँ पर एक दवाखाना डाले हैं, उसकी ओपनिंग के लिए हमको भी दावत थी, मैं और मेरे साथी दादा भंगल साहब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, और साथ में हमारे हरदिल अजीज़ डॉक्टर मुल्ला साहब, ये मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब, अलहाज मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब भी आए हैं। तो हमारी मुलाकात डॉक्टर परवीन साहब से भी, DCH जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, ये बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और साथ साथ यहाँ पर मैंने देखा कि बोर्ड में डॉक्टर सौभाग्या गायनेकोलॉजिस्ट, ये दो डॉक्टर यहाँ पर सर्विस देंगे। मैं इस मौके पर हसन खान जागीरदार और उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को, उनके दामाद को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो कदम आपने उठाया है ये कौम की खिदमत का कदम है, और जब भी हमारे बच्चों को या लेडीज़ को, लोगों को तकलीफ़ होगी बीमारियों से, उस सूरत में ये एक ऐसा मीडिया है जहाँ से बच्चों को इलाज किया जाता है और उनकी परेशानियों को हल किया जाता है।
मैं इस मौके पर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा हसन खान जागीरदार साहब से, अक्सर रात में बीमारियाँ आते हैं, अक्सर रात में बच्चे बीमार होते हैं, कभी पेट दुखता है, कभी कान दर्द होता है, कभी कुछ हो जाता है, बच्चे रोने लगते हैं, उस वक्त माँ बाप परेशान होकर इधर उधर घूमने लगते हैं। ऐसी सूरत में आप नाइट एक किसी को भी एक वार्डबॉय बोलिए या नर्स बोलिए, आप एक असिस्टेंट डॉक्टर बोलिए, किसी को भी अगर रात में रखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी खिदमत रहेगी आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी खिदमत करें आप।